हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने चेस्ट 37 इंच की कटोरी ब्लाउज की पेपर कटिंग देखी थी। आज हम इसको ये कटोरी जो कटोरी ब्लाउज की पेपर कटिंग जो हमने करी है, इसको ब्लाउज पीस पे रख के कैसे कटिंग करते हैं ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लाउज पीस लेंगे। ब्लाउज पीस को हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद हम इसे इस तरह रखेंगे। इस तरह हम ब्लाउज पीस को रखेंगे। यहाँ से ओपन साइड है और यहाँ से बंद साइड है। तो यहाँ पे हम पहले सीधी लाइन देंगे, क्योंकि हमारा कपड़ा थोड़ा हम टेढ़ा मेढ़ा रहता है, इसलिए हम यहाँ पे सीधी लाइन देंगे। और यहाँ पे हम स्लीव को रखेंगे इस तरह से। अगर हमारी स्लीव ये जो पेपर कटिंग है ज़्यादा हो और ब्लाउज पीस कम हो, तो यहाँ पे हम जॉइंट कर लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको बराबर इस तरह से रखेंगे और इसको ड्रॉ करेंगे पहले। इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने स्लीव की ड्रॉ कर लिया है। अब हम उसके दूसरे साइड से ये हमने स्लीव की ड्रॉ की है। यहाँ पे हम इस तरह से बैक पार्ट रखेंगे। बैक पार्ट का ये जो हमारा नेक साइड है, यहाँ हम बन साइड पे रखेंगे। ब्लाउज की बन साइड है, वहाँ पे हम इस तरह से रखेंगे। और जो फ्रंट पार्ट है, इसे इस तरह से रखेंगे। ये देखिए, इस तरह से रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद कटोरी के हम यहाँ से जो ये कटोरी का जो यहाँ से साइड है, थोड़ा सा ये हमारा कपड़ा स्ट्रेचेबल होना चाहिए, तो हम इसे इस तरह से रखेंगे। इस तरह थोड़ा तिरछा रखेंगे कटोरी को। ये देखिए, इस तरह से यहाँ से हमारा कपड़ा थोड़ा सा ऐसा थोड़ा खींचना चाहिए, ताकि हमारी कटोरी चपटी ना हो सिलने के बाद। तो हम यहाँ से थोड़ा कपड़ा नीचे का हमारा स्ट्रेचेबल हो, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो हम इसे यहाँ पे इस तरह से थोड़ा तिरछा रखेंगे कटोरी को। और इसे ये जो हमारा ये जो पोर्शन है यहाँ का, ये सीधा आना चाहिए। ये जो पोर्शन है ये ऐसा सीधा आना चाहिए। तो इसे हम ड्रॉ करेंगे। इस तरह से यहाँ का हमारा पोर्शन सीधा है, इसे भी हम ड्रॉ कर लेंगे। इस साइड हम एक क्रॉस पट्टी रखेंगे इस तरह से। तो ये क्रॉस पट्टी हम नीचे के साइड जो हमारी स्ट्रेट लाइन है, वहाँ से हम आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। इस तरह से आधा इंच यहाँ पे हम एक्स्ट्रा रखेंगे, ये हमारी सिलाई क्लियर रहेगा।
इस तरह से। अब हम इसे कट करेंगे। यहाँ से हमने जो स्ट्रेट लाइन दी थी, सीधी लाइन, इसे हम कट करेंगे पहले। क्रॉस पट्टी निकालेंगे यहाँ से। ये बैक पार्ट है। यहाँ से हम फ्रंट पार्ट को निकालेंगे। ये बैक पार्ट, ये फ्रंट, ये कटोरी और ये क्रॉस पट्टी और ये स्लीव। इस तरह से ये ब्लाउज पीस की कटिंग तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।